आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी वर्ण माला के बारे में। तो हिंदी वर्णमाला की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये आप देख सकते हैं, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 45। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा है ये, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो अब आगे क्या है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। कौन कौन सी? आ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के मुख्यतः दो भेद हैं, पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। तो आइए सबसे पहले ह्रस्व को समझते हैं। ह्रस्व की परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, मतलब जिनके बोलने में बहुत कम समय लगता हो। अब समझेंगे हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे अ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। दोबारा पढ़ लेते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये है दीर्घ स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? ये व्यंजन की परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं। ये संख्या में है 33। व्यंजनों के निम्नलिखित तीन भेद हैं, कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस और ऊष्मो। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पर्श व्यंजन। इसकी परिभाषा है स्पर्श व्यंजन की, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अक्षर के अनुसार रखा गया है। यानी स्पर्श व्यंजन का मतलब ये है कि इन्हें 5 वर्गों में रखा गया और इनका जो पहला अक्षर इसी के अनुसार इनका वर्ग रखा गया है। उदाहरण है, क वर्ग में कितने अक्षर हैं? क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, ख वर्ग है, 5 वर्ग है ना, वो च वर्ग है, उसमें है चा, क्षा, जा, झ और या। इसके बाद है ट वर्ग, इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग है फिर त, थ, द, ध, न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। ये इनके 5 वर्ग हैं, ये स्पर्श व्यंजन। अब हम समझेंगे अंतस्थ। अंतस्थ की परिभाषा, इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। दोबारा समझ लेते हैं, य, र, र, ल, व। ठीक, इसके बाद आता है ऊष्म। ऊष्म की परिभाषा क्या है? इनकी संख्या 4 है, कौन कौन सी? श, श, स, ह। ये हिंदी वर्णमाला है, आपकी समझ में आ गया होगा। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
और मेरी जो और भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, परिभाषा, अलंकार आदि के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है ये।